हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ईश्रम कार्ड बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और इस ईश्रम कार्ड को बनाने के लिए आप अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इसे अपने घर में बैठे कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं और इसके बाद आप इस कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ईश्रम कार्ड की ए टू जेड जानकारी देते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि ये ईश्रम कार्ड क्या है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है और इसके हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा कार्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सभी अनऑर्गेनाइज वर्कर को प्रोवाइड किया जा रहा है और इस कार्ड पर 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा और इस कार्ड को उनके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे उनको सभी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट हो सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसमें जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित कर्मचारी जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सब का एक डाटाबेस तैयार करेगी, जिससे गवर्नमेंट के पास उन सभी की पूरी डिटेल्स मौजूद रहेगी। गवर्नमेंट के मुताबिक 43.7 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा और उन सभी को अपनी सभी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट भी देने जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि इस ईश्रम कार्ड को अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया रखा है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपकी एज जो है 16 ईयर से लेकर 59 ईयर तक होनी चाहिए और यहाँ डेट मेंशन की गई है, इस डेट के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉल करनी चाहिए। नेक्स्ट, हमारे पास ना ही आप EPFO और ना ही आप ESIC के मेंबर्स होने चाहिए और ना ही आप इनकम टैक्स पेएबल होने चाहिए। नेक्स्ट, आप सिर्फ जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया एप्लीकेशन फी, इसके लिए अप्लाई करने के लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। आप सिर्फ जब आप अपने UNA कार्ड को कभी अपडेट करेंगे तो आपको 20 रुपीज़ जो है पे करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जब आप ईश्रम कार्ड बनाएंगे। सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बैंक पासबुक। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड और नेक्स्ट हमारे पास मोबाइल नंबर लिंक विद आधार नंबर, वही नंबर होना चाहिए जो आधार टाइम बनाते समय आपके पास था। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास आ गया नेशनल टोल फ्री नंबर। आपके पास एक नंबर दिया जाएगा, आप कभी भी अपने क्वेरी कर सकते हैं इस नंबर पे। टोल फ्री नंबर है और ये मंडे से लेके सैटरडे तक आपको चलेगा, आप 8 AM से लेके शाम के 8 बजे तक आप ये चला सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर के जो लिस्ट है आपके सामने यहाँ प्रोवाइड की गई है और इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकती हैं पूरी लिस्ट जो है आपके सामने है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप जिसमें फॉल करते हैं आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ द ईश्रम। ईश्रम के क्या क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फाइनेंशियल जो सपोर्ट दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सोशल सिक्योरिटी स्कीम बेनिफिट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास बीमा योजना इंश्योरेंस कवर आपको किया जाएगा, इसमें आपको 2 लाख का इंश्योरेंस भी किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रीमियम वेव्स फॉर 1 ईयर, जो इस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होगा 1 ईयर के लिए आपको माफ किया जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन कौन इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आधार लिंक एक्टिविटी मोबाइल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एज जो आपको सामने यहाँ बताई गई है, पहले भी बता चुके हैं, वो होनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके सामने ये 3 स्टेप्स दिए गए हैं, आप इसके द्वारा आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए आपको हम अपनी रजिस्ट्रेशन करके बताते हैं कि उससे पहले फ्रेंड्स, ईश्रम कार्ड बनाते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात जान लें कि अगर आपके पास अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको अपने नियरेस्ट CSC सेंटर में जाकर अपना ईश्रम कार्ड बनवाना पड़ेगा। वो EKYC के द्वारा आपकी फिंगरप्रिंट या इरिस की मदद से आपका ईश्रम कार्ड बड़ी आसानी से बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ईश्रम पोर्टल को ओपन कर लेना पड़ेगा और यहाँ पे लिखा गया आधार लिंक मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं और यहाँ पे आप करेंगे एंटर कैप्चर कोड, यहाँ पे फिलअप करेंगे। चलिए हमने डाल दिया। नेक्स्ट सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पे एक जो OTP जो आपके सामने जो मोबाइल नंबर डाला गया, उस मोबाइल नंबर पे आपका एक OTP आएगा और यहाँ पे आप उस OTP को फिलअप करेंगे। चलिए यहाँ पे हम फिलअप करके बताते हैं। और नेक्स्ट फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास EKYC आपको कराना पड़ेगा। सबसे पहले आधार नंबर डालेंगे और फिंगरप्रिंट के द्वारा हम कर रहे हैं, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर सबमिट बटन को आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। आप इस अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देख सकते हैं
पूरा का पूरा आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया और यहाँ पे हम एग्री पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आप यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल देख सकते हैं और नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यू के बटन को क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज खुल जाएगा। सबसे पहले आप अपना जहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन किया गया होगा और इमरजेंसी मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप फिलअप कर सकते हैं। ईमेल है तो आप डालेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारे पास मैरिटल स्टेटस है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फादर नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे, चलिए हमने जल्दी से मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सोशल कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं आप उसको क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ब्लड ग्रुप, जिस ब्लड ग्रुप का आपका जो है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स है, उसको फिलअप करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पेज जो खुल चुका है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यहाँ पे अपनी जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन डिटेल भरेंगे। सबसे पहले आपकी स्टेट्स यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास करंट एड्रेस है, आप यहाँ पे एड्रेस भरेंगे। चलिए हम फिलअप करते हैं जल्दी से, आपके सामने यहाँ पे हम फिलअप कर रहे हैं और फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे बटन पे जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे आप स्टेट कितने देर से यहाँ पे इस लोकेशन पे रह रहे हैं आप यहाँ से मेंशन करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपके पास आ गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन की, आपके जो है एजुकेशन की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर आपके पास फोटो है तो आप मेंशन करेंगे, अदरवाइज आप इसको अपलोड करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इनकम कितनी है वो डालेंगे और नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू पे बटन पे प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्यूपेशन जो एंड स्किल्स आ चुका है पेज, और यहाँ पे आपके पास जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कुछ वर्ड्स अपने जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन के आप डालेंगे तो आपके सामने वो एक पेज आ जाएगा, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्किंग है, आप कितनी देर से ऑक्यूपेशन कर रहे हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन, तो आप वहाँ पे मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, आप और क्या करते हैं तो आप वो भी मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे उसका ईयर डाल के आप सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक अकाउंट डिटेल, आपके सामने यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल आ चुकी और यहाँ लिखा गया है रजिस्टर विद अ बैंक अकाउंट। अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। चलिए हम यहाँ पे हम यस करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आपको फिलअप करना पड़ेगा। चलिए जल्दी से हम यहाँ पे फिलअप करते हैं और आपके सामने यहाँ पे हमें फिलअप कर दिया पूरा का पूरा डाटा। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है सेव एंड कंटिन्यू पे बटन पे क्लिक करेंगे। जो क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पे आपका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आ चुका है और आप यहाँ से इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रोल डाउन करेंगे, स्क्रोल डाउन करने पर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा आपके सामने है और यहाँ पे हमारे पास डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे हम अपने चेक बॉक्स को लगाते हैं और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे UNA कार्ड जो है आपके पास पूरा का पूरा बना आएगा और आपके सामने यहाँ पे एक जो मैसेज है वो शो हो रहा है ऊपर। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो आपके सामने UNA कार्ड है। और यहाँ डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ डाउनलोड पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे जो है डाउनलोड जो हो जाएगा आपका जो ईश्रम कार्ड, और आपके सामने ये पूरा का पूरा कार्ड है और यहाँ पे 12 डिजिट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने जाना कि हम अपने ईश्रम कार्ड को कितनी आसानी से अपने घर पे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप CSE के द्वारा बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।